ये जो पहला प्यार, पहली दोस्ती, ये कभी भूली नहीं जाती। इनके साथ बिताए हुए वो आखिरी पल कभी भुलाए नहीं जाते, क्योंकि समय बदलता है, हम बदलते हैं, रिश्ता बदल जाता है, भरोसा शक में बदल जाता है, और शक गुस्से में, और गुस्सा झगड़े में बदल जाता है, और शक रिश्ते को गड्ढे में डाल देता है। तो फिर आज बुलाते उदयपुर के रोहन को, जो अपनी घर की अनसुनी कहानी आज यहाँ पे सुनाने वाले हैं। तो चलिए आइए रोहन उदयपुर से। भाऊ हर बात की अनसुनी हो रही है, हर बात की। जब से थोड़ा बड़ा हुआ हूँ ना, 19 साल का हो गया हूँ, और जब से चीजें समझ में आने लगी है तब से अपने माँ बाप को बस लड़ते देख रहा हूँ। माई मॉम इज माई BFF, और मुझे और मेरी माँ को ऐसे आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे मेरी माँ और मेरे बाप का डिवोर्स कराना है। क्या बोला? तुझे तेरे बाप को और माँ का डिवोर्स चाहिए? हाँ, तेरे बोलने से और ना बोलने से कुछ नहीं होता बेटा। ये बता, तेरी माँ क्या चाहती है? भाऊ माँ का ना कुछ समझ आता ही नहीं है, वो कभी कुछ खुल के बोलती ही नहीं है। तुझे कब से पता है कि तेरा बाप का अफेयर और किसी के साथ है? भाऊ मुझे तो अभी 2 सालों से पता चला, लेकिन चलिए 5-6 सालों से रहा है। और ये कैसे पता चला कि ये कब से चल रहा है? भाऊ समझ तो आ ही जाता है, और फिर मम्मी ने भी बताया, और फिर मेरा बाप भी। यहाँ घर में कुछ भी लड़ाई हो ना, तो सीधे उस नीतू की गोद में बैठ जाएगा। अभी तुम जाओ, मैं आपके मम्मी से बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ बेटा। बताइए, आपके और संजय जी के बीच में क्या प्रॉब्लम है? हमारे बीच में सिर्फ प्रॉब्लम्स है भाऊजी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, संजय का फैमिली को टाइम ना देना, और हर बार चिढ़ के बात करना, 4 लोगों के बीच में डिसरेस्पेक्ट करना। लव इज लॉस्ट इन आवर रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग दैट कैन बी डन नाउ। मेरी लाइफ खराब हो गई इस आदमी की वजह से, सच। तो फिर ये बताइए कि आपके पति संजय जी और नीतू जी के बीच में कब से अफेयर चालू है? पता नहीं, वैसे तो संजय और रवि बचपन के दोस्त थे। इनफैक्ट जहाँ भी हम जाते हैं, हम चारों साथ ही जाते थे। अच्छा। और मेरी और नीतू की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। फिर एक एक्सीडेंट में नीतू के पति रवि की डेथ हो गई, और तब से नीतू और संजय का मिलना बढ़ गया। अच्छा। घूमना फिरना, और इतना इंटरफेरेंस हो गया कि रवि और नीतू का बेटा जो लक्ष्य है उसका नाम, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी संजय जाने लगा। और ये सब मैं 6 साल से देख रही हूँ, और क्या पता ये पहले से ही चल रहा हो। बस कल्पना जी, आपने जो भी कहा वो मैंने ध्यान से सुना, जो हुआ वो भी हो गया, लेकिन अब मुझे ये बात बताइए कि अभी आगे आप क्या चाहती हो? मैं अपने बेटे रोहन से और पति संजय से, दोनों से अलग होके रहना चाह रही हूँ। आप आपके बेटे से अलग क्यों होना चाहती हो? वो तो आपकी बहुत तारीफ करता है, वो तो एक मम्मी बॉय बोलते हैं ना, वैसा है वो, आपसे बहुत प्यार करता है, आपकी तो बहुत तारीफ कर रहा था यहाँ पे, तो उससे क्या प्रॉब्लम है आपको? सर वो भी मुझे नहीं समझता है, वो बिल्कुल अपने बाप पे है। मैंने 20 साल दे दिए दोनों को, बहुत जी लिया इनके लिए, अब मैं अकेले जीना चाहती हूँ अपने लिए।